एरोनॉटिकल इंजीनियर कैसे बने, एरोनॉटिकल इंजीनियर होता क्या है। बहुत सारे छात्रों का सपना होता है कि डॉक्टर बने, बैंक मैनेजर बने, किसी कंपनी में जॉब करें, इंजीनियर बने। और बहुत सारे लोगों का सपना ये होता है कि एरोनॉटिकल इंजीनियर में अपना करियर बनाएं। तो इस फील्ड में आप कैसे अपना करियर बनाएंगे, इसका स्कोप क्या है, आपको इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियर होता क्या है। हम सभी को पता है कि हर क्षेत्र में एक इंजीनियर की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस क्षेत्र का इंजीनियर बारीकी से चीज़ों को समझ सकता है। जैसे एक इमारत बनाने के लिए एक सिविल इंजीनियर की आवश्यकता होती है, वाहन बनाने या उसे डिज़ाइन करने में मैकेनिकल इंजीनियर की आवश्यकता होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कार्य सॉफ्टवेयर बनाना होता है, उसमें जो कमियां होती है उसे सुधारना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता है। उसी प्रकार से एरोनॉटिकल इंजीनियर वैमानिक अभियंता का कार्य हवाई जहाज के यंत्रों को मेंटेन करना या डेवलप करना, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को जांच करना, ईंधन का फिर से भरना, हवाई जहाज के उपकरणों को बनाना या डिज़ाइन करना, समय के अंतराल यंत्रों की जाँच करना, बहुत सारे काम एरोनॉटिकल इंजीनियर के होते हैं। आगे जानते हैं हम एरोनॉटिकल इंजीनियर कैसे बने। दोस्तों 10th पास होने के बाद आपको 11th में मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट लेना होता है। 12th पास आउट होने के बाद इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना होता है, जो कि आपको बी या बीटेक में आपको एडमिशन मिल जाएगा। जो एग्ज़ाम होती है AIEEE की होती है, SIT की होती है, IIIA की होती है, IIST की होती है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास होने के बाद आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है। अगर आपको इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी एडमिशन ले सकते हैं और वहां से भी ये कोर्स कर सकते हैं। अब ये बीटेक कोर्स 4 साल का होता है, आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो इसमें फ़ीस ज़्यादा लगती है। तो आप अच्छे कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो एक अच्छे कॉलेज से ही डिग्री प्राप्त करें, तो आपको आगे जाके इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया जो कि है, आप इन कॉलेज से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। राइट ब्रदर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो कि है नई दिल्ली में, और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि है चेन्नई में, MNR कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जो कि हैदराबाद में। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन निकाल के अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम जानते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के बाद आपको इसमें कहाँ कहाँ नियुक्ति हो सकती है, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं। एक तो DRDO में आपकी जॉब लग सकती है, HAL में हो सकती है, और इसके बाद में बात करें तो इसरो में आपकी इसमें जॉइनिंग हो सकती है, वहाँ पर आपको जॉब लग सकती है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में आपकी जॉब लग सकती है, ऐसे बहुत सारे संस्थान में आपको जॉब लग सकती है। अब बात आती है एरोनॉटिकल इंजीनियर की सैलरी की, तो ये निर्भर करती है दोस्तों कि अपनी काबिलियत पे कि आपको कितना आता है, आप कहाँ से इंजीनियरिंग की है। तो फिर भी एक एवरेज की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो सरकारी एयरलाइंस में वैमानिक अभियंता की वेतन लगभग 25,000 से 35,000 रुपये प्रति माह आपको दिया जा सकता है। और अगर आप प्राइवेट एयरलाइंस में इंजीनियर की जॉब आपको लगती है तो इसमें 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक आपको इसमें प्रति माह वेतन मिल सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों एरोनॉटिकल इंजीनियर की, कि एरोनॉटिकल इंजीनियर होता क्या है और एरोनॉटिकल इंजीनियर कैसे बने। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, तो इस प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी।